हमारे शास्त्रों में कहा है, जिस ज्ञान को उपयोग में लाया जाए उसी को विज्ञान कहते हैं। जब एकेडमिक्स और रिसर्च के ज्ञान को स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट के उपयोग में लाया जाए, तब सामने आती है देश की स्टार एकेडमिक संस्था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और पेट्रो रसायन विभाग के नेतृत्व में स्वायत्त कार्य कर रही सीपेट संस्था पॉलीमर एवं पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में राष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ा रही है। मैं एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज आई कुड सी द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग शेप इन दिस वर्कशॉप्स एंड दिस लेबोरेटरीज एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया द यंगर जनरेशन ऑफ दिस रीजन पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गेटिंग ट्रेन्ड हियर and then getting entrepreneur skills and then getting job opportunities is definitely happy news to me. एक समय घाटे में दबी सीपेट संस्था इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार से आज अपने ही रिसोर्स से मुनाफा कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को मूर्त रूप दे रही है। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। अपने ही रिसोर्स से बनाए गए आधुनिक तकनीकी मशीनों पर प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन स्किल इंडिया के अंतर्गत पिछले 6 वर्षों में 12 सीपेट केंद्रों के आ जाने से अब हमारे पास 37 केंद्र हैं, जिनमें 5 नए केंद्र और जुड़ने जा रहे हैं। वर्तमान में सीपेट के 7 प्लास्टिक तकनीकी संस्थान IPT, 29 सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS, 3 स्किल फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमर्स SARPs और 3 स्पेशलाइज्ड सब सेंटर कार्यरत है। विद्यार्थियों के साथ साथ सेमी स्किल ऑपरेटर से लेकर साइंटिस्ट तक हर कोई सीपेट के ज्ञान को ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, टॉयज एवं फार्मा व पैकेजिंग जैसी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाकर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। डिफेंस और एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज की हाई एंड जरूरतें अब देश में ही पूरी हो रही है। इंडस्ट्रीज के विविध क्षेत्रों में अप्लाइड रिसर्च द्वारा MSME, स्टार्टअप, स्टैंडअप एवं मेक इन इंडिया जैसे सभी प्रोग्रामों में सीपेट अपना योगदान दे रही है और वार्षिक नेशनल अवार्ड्स एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्र की नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। सीपेट देश की इकलौती ऐसी संस्था है जिसमें NSQF द्वारा प्रमाणित 1 से 10 के लेवल पर सभी प्रकार की शिक्षा मुहैया करवाई जाती है। पॉलीमर और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में सीपेट का प्रैक्टिकल ज्ञान प्रशिक्षार्थियों को तुरंत ही जीवन यापन के लिए सक्षम बना रहा है, जिसके तहत सीपेट ने पिछले 5 वर्षों में 3 लाख से अधिक ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करवाए हैं, जिनमें मुख्यतः आदिम जाति व नक्सलाइट क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक व युवतियां शामिल हैं। यही नहीं, 2024 तक ट्रेनिंग के जरिए इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल सपोर्ट एवं 5 लाख सर्विस सपोर्ट देने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्तमान COVID-19 महामारी के चलते स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण, मास्क, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों के परीक्षण में सीपेट आधिकारिक सहायता कर रहा है और इन सहायता को अब 5 नई जगह बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले है जयपुर में प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से लोकार्पित हो रही IPT एवं वाराणसी, अयोध्या, सानंद और भागलपुर में शिलान्यास हो रहा है 4 CSTS संस्था का। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत में कई जगह कार्यरत हो रहे सीपेट के नए केंद्र युवाओं को अपने भविष्य से और नजदीक ले जाएंगे और साथ ही बड़े ही गर्व के साथ हम अपने लोकल के लिए वोकल बनेंगे और विश्व के समक्ष भारत आत्मनिर्भर बनेगा।